नमस्कार, वीआईपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज के हिंदी ऑडियो आर्टिकल में DLED शिक्षा दिग्दर्शन द्वितीय सेमेस्टर से विषय विज्ञान अध्याय 10 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के बारे में चर्चाएं होंगी। परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? प्रकृति एवं दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन के कुछ उदाहरण दीजिए। तो जान लेते हैं परिवर्तन। परिवर्तन किसी वस्तु की मात्रा, स्थिति, दशा, रूप, रंग, ताप, आकार अथवा अवस्था आदि के बदलने को परिवर्तन कहते हैं। विभिन्न परिवर्तनों की पहचान वस्तुओं के भौतिक गुण जैसे रंग, आकृति, परिमाण, ताप, आयतन, अवस्था, संरचना तथा रासायनिक गुणों के आधार पर की जा सकती है। दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन, मोमबत्ती, कोयला, लकड़ी आदि तथा जलना आदि का जलना, दाल सब्जियों का पकना, आटे से रोटी बनाना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, गीले कपड़ों का सूखना आदि दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन हैं। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, दिन के बाद रात होना, सर्दी के बाद गर्मी का आना, पौधे का बसंत ऋतु में हरा भरा हो जाना, पतझड़ में पत्तियों का गिरना जाना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, ग्रहण लगना, तालाबों का सूखना, चांद के प्रकाशित भाग या विभिन्न आकार में दिखाई देना, बीजों से पौधों को बनना आदि प्रकृति में दिखाई देने वाले परिवर्तन हैं। परिवर्तनों के प्रकार, विभिन्न परिवर्तनों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तीव्र तथा मंद परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्ती, उत्क्रमणीय तथा अप्रत्यावर्ती, अनुत्क्रमणीय, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, प्रकृति तथा कृत्रिम परिवर्तन, अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन, नियमित एवं अनियमित के उदाहरण सही समझाइए। नियमित परिवर्तन, निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन को नियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण, ऋतुओं को बदलना, हृदय का धड़कना, रात और दिन का होना, चंद्रमा का आकार बदलना, इसमें कभी इधर उधर नहीं होता, प्रत्येक दिन वही गति दोहराते हैं, तो यह नियमित है। अनियमित परिवर्तन, वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण, जैसे आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि का आना, ज्वालामुखी का फूटना इत्यादि। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। यह BTC 2015 पूछा गया है। भौतिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थों की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण, लोहे में चुंबक उत्पन्न होना, पानी का बर्फ या वाष्प में बदलना, नमक या चीनी की पानी में घुलना, पदार्थ का चूर्ण बनना। रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है जिसके गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। नए पदार्थों को पुनः मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे उदाहरण है, लोहे की कील पर जंग लगना, दूध से दही का बनना, पदार्थ का जलना, दूध का फटना या दूध का जमना, भोजन का पचना। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर, तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था एवं आकृति आदि में परिवर्तन हो जाता है, परंतु उसकी रचना में कोई अंतर नहीं आता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था आदि सभी के कुछ बदल जाते हैं और साथ ही पदार्थ की रचना भी संपूर्ण रूप से बदल जाती है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ निर्मित नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ निर्मित होता है। भौतिक परिवर्तन के कारण हटाए जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है, रासायनिक परिवर्तन के कारण हटाए जाने पर भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। अब आते हैं प्रकृति तथा कृत्रिम परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। कृत्रिम परिवर्तन के कुछ हानिकारक प्रभाव का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक परिवर्तन, प्रकृति में स्वतः
होते रहने वाले परिवर्तन प्रकृति परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, मौसम का बदलना, बादल का आना, वर्षा का होना, ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप का आना, ज्वार भाटा का आना, आंधी तूफान सूखा बाढ़ का आना, पर्वतों पर बर्फ का जमना, कृत्रिम परिवर्तन। मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण, मिट्टी से ईंट बनना, पत्थरों से सामान, लकड़ियों से कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाज़ा, दूध से दही, घी, पनीर, मक्खन, क्रीम बनना आदि। कृत्रिम परिवर्तन से हानिकारक प्रभाव, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए विभिन्न प्रकार के पौधे को अपने उपयोग में ला रहा है, उनसे खेती करने, उद्योग लाने, जनसंख्या वृद्धि के कारण नए नए आवासों का निर्माण करने के लिए जंगलों को काट कर प्रकृति संतुलन को बिगाड़ दिया है, जिससे वातावरण दूषित हो रहा है तथा वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, मृदा अपरदन हो रहा है, वायु तथा जल प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे मनुष्य का जीवन दूभर हो गया है। परिवर्तन में ऊर्जा के बारे में समझाइए। परिवर्तनों में ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। इस आधार पर परिवर्तनों को ऊष्मशोषी परिवर्तन एवं ऊष्माक्षेपी परिवर्तन से में विभाजित किया जाता है। वे परिवर्तन जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है ऊष्माशोषित, वे परिवर्तन जिनमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी परिवर्तन कहलाते हैं। ईंधन का जलना उसमें ऊर्जा प्रदान करता है। हम इस परिवर्तन का उपयोग भोजन बनाने में करते हैं। हम ईंधन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को फैक्ट्रियों और ऑटोमोबाइल जैसे कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रक, ट्रैक्टर आदि को चलाते हैं। ईंधन का अधिक मात्रा में प्रयोग हमारे चारों तरफ वायुमंडलीय प्रदूषण से संबंधित समस्या उत्पन्न करता है। इसमें हमें इन परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी कारकों को समझना चाहिए और इन्हें नियंत्रित करने वाले उपाय के बारे में सोचना चाहिए। वर्षा, बादल का फटना, भूकंप का आना और कृत्रिम परिवर्तन कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। अगला है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें कि एक ही परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन का तथा प्रतिकूलन हो सकता है। बीटीसी 2016 में यह पूछा गया है। तो उदाहरण, फसल तैयार करते समय वर्षा का होना अनुकूल परिवर्तन है, परंतु फसल पक जाने पर वर्षा का होना प्रतिकूल परिवर्तन है। अब आते हैं अति लघु त्रिय प्रश्न। कृत्रिम परिवर्तन से क्या समझते हो? मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे मिट्टी से ईंट, लकड़ी से कुर्सी, मेज, दूध से दही, मक्खन इत्यादि। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन जाए जिसके गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे लोहे की कील में जंग लगना, दूध से दही का बनना आदि। प्रकृति परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? परिवर्तनों में प्रकृति के द्वारा स्वतः ही होते रहने वाले परिवर्तन को प्रकृति परिवर्तन कहते हैं, जैसे मौसम का बदलना, वर्षा का होना, सूखा पड़ना, ज्वालामुखी आना, भूकंप आदि। तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? यह बीटीसी 2016 में पूछा गया है। तेज गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र गति परिवर्तन कहते हैं, जैसे माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूटना तथा फटना। अनियमित परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? वे परिवर्तन जिनका समय अनिश्चित हो उन्हें अनियमित परिवर्तन कहते हैं, जैसे आंधी तूफान बाढ़ आदि। अनुकूल परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जो दैनिक जीवन के लिए उपयोगी तथा हितकर होते हैं अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे पौधे का फल फूल देना, भोजन का पकना, गोबर से खाद का बनना आदि। मंद परिवर्तन क्या है? धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों को मंद परिवर्तन कहते हैं, जैसे दूध से दही बनना, नाखून का बढ़ना, बच्चे का बढ़ना आदि। ध्वनि उत्पन्न करने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं? जिन परिवर्तनों से ध्वनि व प्रकाश दोनों ही उत्पन्न होते हैं उन्हें ध्वनि परिवर्तन कहते हैं, जैसे पटाखा फोड़ना, बंदूक का गोली चलना आदि।
ऐसे ही आइडियो आर्टिकल अगर आपको सुनने हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।